हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है सीनियर इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट की पोस्ट रिलेटेड। और ये जो पोस्ट है ये निकाली ये क्या ये ICGEB में। तो आई होप आपको मेरे चैनल को आप अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो देखिए, ये जो सीनियर इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट की जो पोजीशन है वो ICGEB में निकाली गई है। और ये जो पोजीशन है पहले जो है इट विल बी अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो ये 6 मंथ की है। इसके बाद ये जो है एक्सटेंड भी हो सकती है, इट टोटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्क। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, जो सैलरी जो आपको यहाँ पे दी जाएगी इट विल बी ऑफर्ड एज पर DBT नॉर्म्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर ए इंटरव्यू एज ICGEB। तो यहाँ पे देखिए पहले आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। साथ ही इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे आपको कोई भी TA DA कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है अपने एक्सपेंसेस खुद ही बेयर करने होंगे। तो देखिए वैकेंसी यहाँ पे सीनियर इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट नंबर जो वैकेंसी 1 है, और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे आपका PhD डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे जो प्रिफरेबली होना चाहिए वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए या एनी अदर बायोलॉजिकल साइंसेज में होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस उन्होंने माना है कि एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग बाय इन्फॉर्मेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज मीटिंग एक्सपेक्टेड ड्यू टू द कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एक्टिविटी एज सेंटर सेट आउट बाय DBT एट द फॉर द सेंटर विच इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ये सब जो आपको यहाँ पे जो ड्यूटीज है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रही है। तो अगर आप इन सब ड्यूटीज को अगर करना चाहते हैं या आप इन सब ड्यूटीज को कर सकते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो गुड रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी आपका जो लिखने का और बोलने का वो अच्छा होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी जो है वहाँ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पे आपको जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी 94,144 इंडियन रुपी पर मंथ। ठीक है, अब आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट देयर फुल अपडेटेड CV विद अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और रिलेवेंट एक्सपीरियंस अलोंग विद 2 रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आपको 2 रेफरेंसेस सेंड करने हैं, 2 रेफरेंसेस भी ऐड करने हैं बाय 19 नवंबर। तो इसका जो लास्ट डेट वो 19 नवंबर है, और आपको सेंड करना है एड्रेस टू द सीयर पर्सन DBT APEX BTIC ICGEB अरुणासी आसफ अली मार्ग न्यू दिल्ली 110067। तो यहाँ पे जो है आपको अपना जो भी फुल फॉर्म है या फुल एप्लीकेशन फॉर्म, CV और आपके पास जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या आपके पास जो भी और भी सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ जो भी 2 रेफरेंसेज आपको 2 रेफरेंसेज यहाँ पे जो है मैंडेटरी है वो आपको जो है ऐड करने हैं और आपको सेंड कर देना है द चेयरपर्सन DBT APEX BTIC ICGEB। तो एड्रेस इन्होंने मेंशन कर रखा है, और आप मेल भी कर सकते हैं अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म CV है abtic@icgeb.res.in। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब आप एनवेलप पे जो अपना सारा जो डॉक्यूमेंट है वो रखें तो उसमें आप मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर CIS DBT APEX BTIC इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल और एनवेलप। ठीक है, तो अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आप एज अ सब्जेक्ट लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर CIS DBT APEX BTIC, और अगर आप एनवेलप के थ्रू जो अपना हार्ड कॉपी भेज दें तभी आपको जो एप्लीकेशन फॉर CIS DBT APEX BTIC भी ये आपको जो है उसमें क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है इस पोस्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।